जय हिंद साथियों, जय भारत, जय फुले। जैसा कि आप सभी का स्वागत है और अभी हम यहाँ जायजा लेने के लिए सारे लोग पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पे, और कार्यक्रम बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ। ये आपका पांडाल लग चुका है, 100 बाई 50 का, 50 चौड़ाई है इसकी और 100 लंबाई है। इतना बड़ा स्टेज है जिस पर लगभग 1500 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। स्टेज है और जो पिछली बार शिकायत थी साउंड की, वो साउंड की कि वो व्यवस्था भी हमने पूरा देखा है। इसको हर प्रकार से, मतलब पिछली जो सारी शिकायत थी, पानी की शिकायत थी, आपकी पानी की शिकायत थी, अब की हमने दूर कर दिया। और ये अब की बार जो हर बार शिकायत मिलती है आपको कि हम जयपुर वाले कुछ नहीं करते, तो अब की यार जयपुर के हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं भाई रोशन जी, आपको सारी बात बता देंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएँ की हैं। ये व्यवस्थाएँ पहली बार ऐसी हो रही है कि हमने यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई त्यौहार हो रहा हो, जिस प्रकार कोई त्यौहार है उसी प्रकार से यहाँ तैयारी चल रही है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिएगा आपकी जो व्यवस्थाएँ हैं तो दिखाता हूँ आपको। ये पूरा पांडाल है, इसमें टोटल 15 बीघा ज़मीन है ये, और देख सकते हैं सब लोग अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। सारे लोग देख सकते हैं, तो एक ज़ोरदार नारे के साथ मैं आपसे सबसे परिचित कराता हूं। और हमारे सबसे पहले तो हमारे जयपुर के जिलाध्यक्ष भाई रोशन जी से मुलाकात कराता हूं। एक बार ज़ोरदार जयकारा लगाएंगे। जय जय फूले, जय जय फूले, जय जय फूले, जय जय फूले। दोस्तों यहाँ की जो तैयारियां हैं बहुत ज़बरदस्त है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले बात कराता हूँ हमारे जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष भाई रोशन जी सैनी साहब से, आपका परिचय कराता हूँ और ये बताएंगे आपको कैसी तैयारियां, जो पिछली बार आपने शिकायतें की थी वो सारी शिकायतें दूर कर दी है। और हम यही चाहते हैं कि एक ज़बरदस्त उत्साह के साथ आप आइएगा, लेकिन वही बात, किसी पत्ते का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक बार जो हमारी कौम है, जिस कौम को एक आदर्श कौम, सभ्य कौम के नाम से जाना जाता है, उसी सभ्य कौम का हमारा ठप्पा लगा रहना चाहिए। वो ये नहीं कहे कि यार ये कौम गलत है, ऐसा हमें नहीं सुनना। और मैं परिचय कराता हूँ सबसे पहले हमारे जिला अध्यक्ष भाई रोशन जी से और बताएंगे पूरी तैयारी के साथ। पहले तो मैं जयपुर के इस पावन भूमि पर राजस्थान के कोने कोने से पधारने के लिए, सभी जयपुर में पधारने के लिए सभी समाज बंधुओं का मैं जयपुर की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से तैयारियां यहां आप लोगों के आगमन की हम सभी लोग मिलके कर रहे हैं, सारी फूले टीम और सीपीजी और हमारे जो यहां क्षेत्रीय पार्षद मालाकार जी, हमारे रामस्वरूप जी सैनी जो हमारे समाज के भामाशाह है, सब मिलकर सारा समाज और सभी पूरी टीम जोर शोर से आपके स्वागत की तैयारियां कर रही है। पहले पिछली बार अभी हमारे सीपीजी बता रहे थे साउंड की कमी थी, उस पर भी हमने विचार किया है, पानी की व्यवस्था पे भी विचार किया है, सुलभ की व्यवस्था पे भी विचार किया है। ऐसे करके छोटी छोटी बातों का हम आपका ध्यान रखने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करते हैं जो 70 सालों से हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, आज वो दिन आ गया है। 15 तारीख भविष्य में पहले भी आएगी, आज भी आए, जो 15 तारीख आने वाली है जो हमारे समाज की दिशा उसको निर्धारित करेगी, हमारे लक्ष्य को निर्धारित करेगी। इसलिए 15 तारीख को आप लोगों के आगमन का हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और जयपुरवासी सभी आपका स्वागत के लिए आतुर है। और हम चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, यहाँ सीपीजी के साथ पूरा कंधे से कंधा मिलाकर हम साथ दे रहे हैं और हर तरीके से जैसा भी सीपीजी मार्गदर्शन करेंगे हम वैसी व्यवस्था को बिल्कुल उसकी तैयारी पे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा सुन रहे हो कि जयपुर माली समाज के जो अध्यक्ष हैं भाई रोशन जी, उन्होंने अपनी कमान अपने हाथ में ले ली है। आप लोग इनको दिल से धन्यवाद दें और जो भी युवा देख रहे हैं ज़बरदस्त उत्साह के साथ शेयर भी जरूर मारते जाएं, तमाम लोगों तक ये सूचना पहुंच जानी चाहिए। उनको नहीं लगना चाहिए कि अरे यार क्या व्यवस्था हो रही है, क्या नहीं हो रही है। और आपको खुशी होगी सबसे बड़ी बात कि जिस जोन में यहाँ जेडीए जोन चलता है, जिस जोन में हम खड़े हैं, वहाँ के जो पार्षद हैं हमारे बड़े भाई मालाकार जी, और वो सुबह से, जैसे इनकी उम्र बताऊंगा, बहुत उम्र में हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन सुबह से धूप पड़ रही थी, धूप के अंदर खड़े होकर
हमारे साथ हर व्यवस्था में जुटे हैं कि पानी के, उन्होंने कहा कि मैंने जब उनको बताया कि पानी की व्यवस्था हो गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछली बार कमी रह गई थी, अब की बार 10-20 टैंकर और ज़्यादा होने चाहिए। तो इन्होंने अभी टैंकर की व्यवस्था की, सुलभ शौचालय की व्यवस्था करा दी, आपके लिए किसी प्रकार से कमी नहीं रहे, इसलिए हर प्रकार की व्यवस्थाएँ देखी जा रही हैं। और मैं यहाँ के जो पार्षद हैं मालाकार जी, उनसे मुलाकात कराता हूँ ज़बरदस्त उत्साह के साथ। एक बार सभी समाज के आगंतुक महानुभावों का यहाँ जयपुर में हार्दिक स्वागत करने के लिए हम रोशन जी के और भाई सारे लोग मोबाइल निकाल के शेयर जरूर करें की मौजूदगी में इंतजार कर रहे हैं। यहाँ किसी किस्म की कमी नहीं रहे, इस बात के जायजा ले रहे हैं कि आज में बैठने की व्यवस्था माकूल हो, पानी की पीने की व्यवस्था अच्छी हो। तो आप सभी से निवेदन है कि जिस शालीनता के साथ हमारा नाम है समाज का, उसी शालीनता के साथ आप आएँ और इस आयोजन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारे के साथ जय फूले, जोरदार आवाज का जय फूले, फूले। और यहाँ के मैं सभी से मिला परिचय करा देता हूँ। सबसे पहले आदरणीय भाई साहब से राम स्वरूप सिंह सलाहकार जयपुर जिला पाली शहरी समाज, बताइए एक बार स्वागत कर रहे हैं जयपुर में। लाखों युवा देख रहे हैं आपको। 75 साल के बाद ऐसा ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है जो हमारे समाज की दिशा और दशा तय करेगा। 75 साल से हम लोगों को बुलावे में रख करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और हमारी सुनाई नहीं हो रही है। हम लोग शांतिप्रिय समाज से बिलोंग करते हैं और यही हमारी पहचान है। लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया, हमको शांति शांति शांति, लेकिन शांति भी एक हद तक वो है, उसके बाद में जो है तो हम लोगों को इतना दबाया गया, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पधारें और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और दिखा दें कि माली समाज उसकी भी एक कोई अपनी ताकत है। जय भोले, जय फूले, जय फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो ताकत सर गिनाने में होती है वो ताकत और किसी में नहीं होती है। जैसे कि आपको पूर्व में कल एक कार्यक्रम था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ और उस कार्यक्रम के बारे में लोग काफ़ी सारा नाराज भी थे, आप देख रहे होंगे। ऐसी कोई घटना हमारे साथ नहीं हो जाए, इसलिए आप सब लोगों को सजग रहना है, बिल्कुल शांति प्रिय कहूँ। जिस तरह का हमने एक झंडा ले रखा है, लोग कहते हैं कि यार बहुत ही अच्छे लोग हैं, सभ्य लोग हैं, सभ्य समाज है, वही पहचान हमें रखनी है। इसके साथ ही मैं आपको मिलाता हूँ। देखो यहाँ पे युवा पहुँच चुके हैं, जमारामगढ़ से हैं और जमारामगढ़ से भाई हैं। आप सभी को पहले तो जय भीम, जय फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर राजू जी हैं, जवारामगढ़ से पहुंच चुके हैं। साहब सभी समाज के लोग पधारे और इस समाज के महाकुंभ में बढ़ चढ़ कर इस चले, जय जय फूले। धन्यवाद। और इधर भाई जी पहुंच गए हैं, नमस्कार, जयपुर से हैं, जोरदार बोलिए। जयपुर से। और ये हमारे लाडले भाई गोविंद जी, हमारे जय फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भाई मैं रमेश सैनी करतारपुरा और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि परसों सबके सब आए एक दिन समाज के नाम, जय जय फूले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय फूले, जय फूले, जय जय फूले, जय जय फूले। मेरे साथियों कुछ और भी मैं कहना चाहता हूँ इस लाइव के दौरान कि अगर आपको कहीं लगेगी कोई कमी रह गई है, मैंने जैसे वो सारी चीज़ें दिखा दी है आपको, एक बार और दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं और वैसे दो दिन पहले से कार्यक्रम चल गया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फिर भी अगर किसी प्रकार की कमी रहती है तो जयपुर के सभी लोगों का उनसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग आएं और अपनी व्यवस्थाएं देखें, कहीं कोई कमजोरी आ रही है तो हमें आप सही दिशा और दशा प्रदान करें। आप हमारे बड़े भाई हैं और इस लाइव के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि मैं सभी राजनीतिक लोगों को, भामाशाहों को, समाज सेवियों को, सभी संगठन के पदाधिकारियों को, सभी जो भी लोग हमारे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, साथी हैं, सभी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पधारिएगा, आपका स्वागत है। आपकी जिम्मेदारी है अपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने की और सही दिशा देने की। फिर मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि साथियों हमारा सभ्य समाज है, सुशील समाज है, अच्छी कौम में गिना जाता है। हमें इस प्रकार का कोई काम नहीं करना जिस प्रकार से हमें एक गलत दृष्टि से देखा जाए। मेरे साथियों वो वक्त आएगा जब मैं बता दूंगा कि क्या करना है, लेकिन उससे पहले आज़ादी जब मिली उससे पहले लोग धीरे 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 कारोबार बढ़ रहा था। आज हम सेकंड स्टेप जा रहे हैं, सेकंड स्टेप में एक बड़ी ताकत के साथ सर गिराने जा रहे हैं और यहाँ पे जो ताकत आप दिखा दोगे मैं कह रहा हूँ दुनिया ही आपको सलाम करेगी। पूर्व में भी हमारे जयपुर में आज तक सबसे बड़ा कार्यक्रम एक प्रैक्टिकल में बड़े हमारे जो अग्रज हैं राजपूत भाई, उनका कार्यक्रम हुआ, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ था।
आज लोग उसके इतिहास को याद करते हैं, और उसी की तरह उसी प्रेरणा में मैं भी कहना चाहूँगा कि अपने समाज को भी एक ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए दुनिया याद करे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर एक बार स्वागत है। लगातार जो भी तैयारियां चल रही है मैं आपको दिखाता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। इसके साथ साथ आप जुड़े रहिएगा, और जितने भी युवा साथी हैं जो देख रहे हैं उनको लगता है कि कोई कमी है तो पधारे विद्याधर स्टेडियम में, उनको हम वहीं मिलेंगे। आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत पधारो सा।